दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि एक ही फिजिकल मशीन पर एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम को एक साथ रन कराएं, तो हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको यही चीज बताने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि वर्चुअल मशीन के बारे में, उसे कैसे इंस्टॉल करते हैं। उसी की मदद से हम आज अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ विंडोज 7 कैसे इंस्टॉल करते हैं। उसी तरह आप विंडोज 8 को, विंडोज 10 को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और यूनिक्स लिनक्स के बाद उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे डेस्कटॉप पर वर्चुअल मशीन को मैंने ओपन किया हुआ है। प्लस साइन जो कि बोल रहा है क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन, यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिलेंगे। इसको फर्स्ट वाले को आपको टिक करना है, रिकमेंडेड वाला, करने के बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये तीन ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जो कि आपको सेकेंड वाला ऑप्शन को चूज करना है। और चूज करने के बाद ब्राउज कीजिए जहाँ पर आपने अपना आईओएसओ को डाउनलोड किया हुआ है, या फिर कहीं भी आपने रखा है, उस आईओएसओ का यहाँ पर आपको पाथ देना होगा। इसमें मैंने सी ड्राइव में अपना सॉफ्टवेयर मैंने रखा है, वहाँ मैं ब्राउज कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरे पास जो विंडोज 7 का आईओएसओ है, ये पूरा मेरा ऑल वर्जन है, पर आप देख सकते हैं यहाँ पर विंडोज 7 डिटेक्टेड हो गया है। करने के बाद नेक्स्ट कर दीजिए। अगर आपके पास प्रोडक्ट की है तो आप यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, और नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आपसे ये सॉल्व का क्वेश्चन पूछ रहा है, इसे आपको यस कर देना है। और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ देख सकते हैं विंडोज 7 उसका नेम ले लिया है, और जहाँ कहीं भी आपको ये विंडोज 7 को जो वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल करना है, आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट तो ये सेम ड्राइव में इंस्टॉल होगा, लेकिन मैं यहाँ पर अलग ड्राइव देना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने इसे नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर कस्टमाइज हार्डवेयर है, क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर में आप देख सकते हैं मेमोरी। यहाँ पर आप विंडोज 7 को कितना मेमोरी मीन्स रैम देना चाहते हैं। तो दोस्तों, बाय डिफॉल्ट विंडोज 7 का रैम 1 GB होता है, आप 1 GB देख सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं जहाँ मैंने विंडोज 7 का जो आईओएसओ का पाथ था, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और नेटवर्क है, और इसे आप देख सकते हैं, इसमें कुछ आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। इसके बारे में दोस्तों मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, ये तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन मैं कर रहा हूँ, आप इसे नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद ये अपना जो भी प्रोसेसिंग है वो ले रहा है। और हाँ दोस्तों, ये देखिए मेरा वर्चुअल मशीन में ये इंस्टॉल होने को तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स, ये हाँ, आप मेरे पास जैसे क्या हुआ, पहले मैंने बताया कि मेरे विंडोज 7 है, मेरा ऑल वर्जन सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर जितने विंडोज 7 के वर्जन है सब हैं। तो यहाँ पर मैंने अब जो इंस्टॉल कर रहा हूँ वो अल्टीमेट है, तो मैंने ये सबसे नीचे में रखा था अल्टीमेट, उसे यस कर दीजिए, फिर इंटर मार दीजिए। और जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आप पहले भी विंडोज 7 को या फिर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं, तो इस तरह का एक विंडो खुलता है, जो कि बहुत ही देर लेता है। तो दोस्तों, मैंने इसे थोड़ा वीडियो को स्किप किया है, ताकि ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा ना लगे, तो इस वजह से मैंने थोड़ा इसको स्किप किया है। उसके बाद आप यहाँ पर अपने विंडोज 7 का नाम दे सकते हैं, यहाँ पर मैंने अपना नाम दिया है PC1 का, ठीक है, नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद सबसे ऊपर वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना है, यूजर रिकमेंडेड सेटिंग्स, एंड यहाँ पर आपको नेटवर्क पूछ रहा है, मैंने होम नेटवर्क को सिलेक्ट किया है। तो अगर आपका नेट कनेक्शन है तो ये थोड़ा टाइम ले सकता है। और करने के बाद ये मेरा प्रोसेसिंग का स्टार्टिंग हो गया है, वर्चुअल मशीन में लोड होने स्टार्ट हो गया है। अब ये वर्चुअल मशीन अपना
टूल्स को कॉन्फ़िगर कर रहा था कि एक अपना स्क्रीन में एडजस्ट हो सके, इसमें थोड़ा ये टाइम ले सकता है। और आप देख सकते हैं ये मेरा फुल स्क्रीन मोड में आ गया, जो कि ये वर्चुअल मशीन अपना टूल्स को कॉन्फ़िगर किया। फाइनली विंडोज 7 अल्टीमेट इंस्टॉल्ड हो गया है हमारे वर्चुअल मशीन में। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ विंडोज 7 का कॉन्फ़िगरेशन को मैं दिखा रहा हूँ। कंप्यूटर में जा कर के प्रॉपर्टीज में जो सिस्टम प्रॉपर्टीज का को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको याद होगा कि पिछले कॉन्फ़िगरेशन में मैंने यहाँ पर रैम 1 GB लिया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रैम 1 GB है। तो ये जो 1 GB जो आपको देख रहे हैं, ये एक आपका फिजिकल मशीन से 1 GB ये रैम लिया है, जो कि बाय डिफॉल्ट विंडोज 7 में 1 GB ही रैम होता है। और यहाँ नीचे भी देख रहे हैं कि विंडोज इज एक्टिवेटेड। तो दोस्तों अगर आपको ऑल वर्जन विंडोज एक्टिवेटेड चाहिए तो प्लीज़ इसे कमेंट कीजिए, ताकि मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूँ और आप वहाँ पर जाके इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।